स्टार्ट। अक्सर आते जाते मैं उसे देखती थी और कभी अगर वह न दिखाई दे तो शोरगुल वाली वह सड़क मुझे सूनी लगती थी। विराम। उस दिन चौराहे की लाल बत्ती पर चटक रंग की साड़ी और कुछ गहरा मेकअप लगाए ताली बजाते इठलाते वे रोज की तरह वाहनों के बीच अपनी जगह बनाते हुए लोगों से उनकी दया दृष्टि की अपेक्षा कर रही थी। विराम। अचानक असामाजिक प्रवृत्ति के कुछ युवक उसे देखकर सीटी बजाते हुए भद्दी टिप्पणियां और अश्लील मजाक करने लगे। विराम। पहले तो वह भी कुछ कुपित हुई और उसने आपत्ति जताई तो बात बढ़ भी गई, पर बाद में वह सड़क के दूसरे किनारे चली गई। विराम। उसके चले जाने के बाद भी कुछ देर माहौल गर्म रहा। विराम। उन युवकों के गलत और अपमानजनक व्यवहार पर कुछ कहने के बजाय वहां मौजूद बाकी लोगों की नज़र और बातों में उसके प्रति घृणा और तिरस्कार स्पष्ट दिख रहा था। विराम। कुछ लोगों ने तो उस वर्ग की असलियत और उनके कर्म पर अपना ज्ञान बघारना शुरू कर दिया था। विराम। पैरा। मैंने उसे आम तौर पर ऊंचे स्वर में बोलते ही सुना था। विराम। लेकिन पता नहीं क्यों वह उस दिन संयत और शांत थी। विराम। मेरा मन भारी हो गया और मैंने नज़र चुराने की कोशिश की। विराम। यह महज संयोग था कि उसी दिन के अखबार में ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए दिल्ली के नोएडा में एक मेट्रो स्टेशन को उन्हें समर्पित करते हुए उसे प्राइड स्टेशन कहा गया था। विराम। इसके बरकस जो हकीकत थी वह मेरे सामने थी। विराम। पैरा। सामाजिक संरचना पर विचार करते हुए विचलित मन सोचने लगा कि समय और जरूरत के मुताबिक गठित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में कुछ वर्ग खुद को उच्च मानते हुए मुख्य धारा के समूह कहलाने लगे तो कुछ वर्ग उपेक्षा और हीनता का शिकार होकर किस तरह हाशिए पर चले गए। विराम। मुख्य धारा माने जाने वाले समाज ने हाशिए के वर्गों और समूहों के खिलाफ अमानुषिक व्यवहार और अत्याचार भी किया। विराम। हाशिए के समूहों की चर्चा करते हुए अक्सर स्त्री दलित आदिवासी और अब किसान वर्ग की बात की जाती है, लेकिन इसी समाज में लैंगिक रूप से एक अलग समूह भी अपनी पहचान के संकट से जूझता रहा है। विराम। इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। विराम। प्राकृतिक रूप से अपनी यौन विकृति के कारण समाज द्वारा इन्हें व्यंग घृणा और तिरस्कार का शिकार होना पड़ता है। विराम। मोटे अनुमान के अनुसार अपनी पहचान और सामान्य जीवन जीने की चाह
रखने वाले इस समुदाय की आबादी भारत में 20 लाख से ऊपर है। विराम। समाज से सामान्य व्यवहार की अपेक्षा की लंबी जद्दोजहद में वर्ष 2011 में इन्हें अन्य की श्रेणी में रखा गया तो 2013 में इन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। विराम। पैरा। यों कहने को हम महाभारत में शिखंडी को एक किन्नर पात्र के रूप में तो धनुर्धर अर्जुन को वृणला के पात्र के रूप में पढ़ते जानते रहे हैं। विराम। अर्जुन ने वृणला के रूप में राजा विराट की नृत्यशाला में उनकी पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाकर अपने अज्ञातवास के दिन सुरक्षित बिताए थे। विराम। मुगल काल में सुल्तान अलाउद्दीन की सलाहकार मलिक काफूर भी किन्नर था जो सुल्तान का दाहिना हाथ कहा जाता था। विराम। लेकिन आज समाज में रहते हुए अनुपस्थिति का दंश झेलने वाला यह समुदाय अपनी बुनियादी सुविधाओं तक से वंचित है। विराम। परिवार से परित्यक्त होने का दर्द, सामाजिक हिकारत, भेदभाव की पीड़ा और हाशिए पर जिंदगी जीने की इनकी व्यथा भयावह त्रासदी से कम नहीं। विराम।